लाड़की बहन योजना को महिला वर्ग से सहज प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए विरोधियों द्वारा योजना के खिलाफ जानबूझकर मुहिम चलाई जा रही है। इसी संदर्भ में आज भाजपा जिला अध्यक्ष तथा विधायक सुधाकर कोहले ने पत्र परिषद में अधिक जानकारी साझा की है। योजना की सफलता नजर आने पर कांग्रेस नेता सुनील केदार के कार्यकर्ता अनिल वडपल्लीवार ने लाडली बहन योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वडपल्लीवार के माध्यम से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी लाडकी बहन योजना के खिलाफ अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधाकर कोहले ने एक प्रेस के माध्यम से ऐसा हमला बोला है। पत्र परिषद में यह भी कहा गया कि इस याचिका से कांग्रेस ने एक बार फिर अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाया है। सुधाकर कोहले ने कहा कि वडपल्लीवार ने कोर्ट में दायर याचिका में लाड़की बहन योजना को बंद करने की मांग की है। कांग्रेस ने पहले लाड़की बहन योजना के खिलाफ अदालत का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब एक बार फिर कांग्रेस की मूर्खता सामने आई है। महायुति सरकार की इस योजना का महिलाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है, इस डर से कि इस योजना से महिला वर्ग महागठबंधन के पक्ष में आ जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस इस योजना को किसी न किसी तरीके से विफल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी कोहले द्वारा पत्र परिषद के दौरान कहा गया। नागपुर मध्ये लाडली पहिला योजनेच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणामध्ये लाडली बहिणीची योजना अर्ज आले, मोठ्या प्रमाणामध्ये मी आकडा सुद्धा सांगतो, त्यांचे अर्ज मान्य झाले आणि लाडली बहिणी योजनेतून त्यांना फायदा होतो आहे। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट आणि उंबाटाचे काही कार्यकर्ते नेते, मुख्यतः नेते हे मित्रांना हाताशी पकडून या योजनेच्या विरोधामध्ये हायकोर्टात जाऊन या ठिकाणी याच्यावर पुन्हा बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे। लाडली बहिणी योजनेमध्ये घरकाम करणारे किंवा सामान्य घरातील महिलेला तिच्या संसारात थोडाफार हातभार लागून आणि महिलांचं सक्षमीकरण व्हावं, सबलीकरण व्हावं, सन्मानपूर्वक तिला जगता यावं, तिच्यामध्ये शैक्षणिक दर्जा तिच्या घरच्या मुलींचा उंचवावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणलेली ही योजना आहे। मी माननीय एकनाथराव शिंदे, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजित पवार दादांचं जिल्हा भाजपच्या वतीनं अभिनंदन करतो आणि काँग्रेसवाल्यांनी नागपूर जिल्ह्यातल्या सर्व लाडल्या बहिणींची माफी मागावी, जाहीर माफी मागावी, आपलं नाक रगडावं अशा प्रकारची मागणी करतो। साथ ही कोहले बोले, बावजूद इसके कि महागठबंधन सरकार बार बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि योजना किसी भी हालत में बंद नहीं होगी, कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। सुधाकर कोहले ने पत्र परिषद में उल्लेख किया है कि महिलाओं के हित की इस योजना को विपक्ष के विरोध की स्थिति के अनुसार बाधित किया जा रहा है और बुद्धिमान लोग कांग्रेस और विपक्ष के भ्रम में नहीं फंसेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।